गाइज मैक्स प्रो एम वन में मी यू आई 8.11.1 सेमी जी एस आई मी मैक्स रिपोर्ट इंस्टॉलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत सारे यस मिला मुझे रिव्यू के लिए, बट आज जो रिव्यू होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। गाइज मैंने सेमी जी एस आई रॉम मी यू आई 8.11.1 फ्लैश भी किया और उसे कुछ घंटे तक ट्राई भी किया, कुछ बग्स मिला मुझे इसमें एंड आई डोंट थिंक कि ये आपका डेली ड्राइवर बन सकता है, बट आई स्टिल उन अमेजिंग डेवलपर्स को, उन टैलेंटेड हार्डवर्किंग डेवलपर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिनके कारण से हमें ये सारी चीज़ें अपने एंड्रॉयड डिवाइस में टेस्ट करने का मौका मिलता है। MIUI GSI 8.11.1 के बाद मैंने एक और MIUI ROM ट्राई किया 8.11.15 और ये फ्लैश करना बहुत ही आसान है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक ROM है, जिस तरह हम दूसरे कस्टम रॉम्स फ्लैश करते हैं ठीक इसी तरह इसे भी आपको फ्लैश करना है और इसके साथ जी ऐप्स फ्लैश नहीं करना है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसे फ्लैश करना है। सबसे पहले आपको वाइप करना है सिस्टम डेटा कैश डालवेक वेंडर, उसके बाद सिंपली ये रॉम आप इंस्टॉल कर लो। आप चाहो तो मैजिक भी इंस्टॉल कर सकते हो। गाइस मैं दोनों का अलग अलग वीडियो बना सकता था बट मैंने जानबूझकर एक ही वीडियो बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको दोनों में से कौन सा रॉम फ्लैश करना चाहिए। सेमी जीएसआई फ्लैश करना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे देख लेना ताकि आप कोई गड़बड़ ना कर दे। दूसरा बहुत ईजी है, सिंपली आप दूसरे रॉम जैसे फ्लैश करते हैं वैसे ही आपको फ्लैश करना है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों में क्या क्या बग्स मुझे मिला और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो दोनों में से आपको कौन सा ट्राई पहले करना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ सेमी जी एस आई रॉम का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। वाईफाई, मोबाइल डेटा, GPS, FM, फेस अनलॉक, साउंड एंड वाइब्रेशन, रोटेशन सब कुछ ओके था। इन कॉल वॉल्यूम भी मेरा ओके है, कोई इशू मुझे नहीं मिला। स्पीकर थोड़ा सा लो लगा कंपेयर टू स्टॉक। बैटरी लाइफ एक दिन में जज नहीं किया जा सकता। आइडल मोड में यानी रात भर में 10% बैटरी ड्रॉप मिला मुझे तकरीबन 8 घंटे में और यही सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है कि ये रॉम आप फ्लैश नहीं करोगे। वैसे कुछ और भी बग्स हैं लाइक ब्लूटूथ हेडसेट में कनेक्ट नहीं कर पाया अपने डिवाइस से, बहुत ट्राई किया, और MIUI थीम्स भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि साइन इन करने में एरर आ रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इज़ नॉट देयर, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है इसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारे कैमरा ऐप ट्राई किया, जी कैम एंड इसमें जो MIUI का कैमरा है वो भी ट्राई किया बट वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं किया। गाइज ये था MIUI 8.11.1 सेमी GSI मी मैक्स 3 पोर्ट का छोटा सा रिव्यू और अब मैं बताऊंगा आपको MIUI 8.11.15 रॉम के बारे में बाय सागर मखर। गाइज सबसे पहले जो बग्स मुझे सेमी GSI में मिला मैं उससे कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि क्या इस रॉम में भी आपको वो बग्स देखने को मिलेगा या नहीं। MIUI थीम्स आप ट्राई कर सकते हो, काम करेगा इसमें क्योंकि आप इसमें साइन इन कर पाओगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे दिख गया और ये सुपर क्विक है। ब्लूटूथ बग आपको इसमें भी मिलेगा, कनेक्ट हो जाएगा बट प्ले नहीं कर पाओगे। मैंने ट्राई किया है, कई बार ट्राई किया, कनेक्टिंग में जाकर ये बिल्कुल अटक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता और आपके हेडसेट में आपको बताएगा कि योर डिवाइस इज कनेक्टेड। खैर तो नेक्स्ट है गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने बहुत ट्राई किया, जी कैम ट्राई किया, MIUI कैम ट्राई किया, स्नैपड्रैगन 337 जो लेटेस्ट अपना मैक्स प्रो M1 का कैमरा ऐप है उसे फ्लैश किया ज़िप, वो भी काम नहीं किया। तो वीडियो रिकॉर्डिंग का बग आपको इसमें भी मिलेगा। गाइस मैंने दोनों रॉम में पबजी खेलने का सौभाग्य प्राप्त किया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस पबजी का कैसा रहा दोनों रॉम में। गाइस पबजी GSI रॉम में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा मेरा एक्सपीरियंस। मैं टारगेट के पीछे भाग रहा हूँ, टारगेट मेरे से आगे भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, मतलब मैं दौड़े जा रहा हूँ वो मेरे से आगे दौड़े जा रहा है, ऐसा है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा, बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स एंड लैग्स देखने को मिला। एंड इस रॉम में यानी 8.11.15 रॉम में बाय सागर मखर, इसमें मुझे पबजी में कोई इशू नहीं हुआ।
गाइस आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हो या दोनों ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं कि दोनों में से कोई भी डेली ड्राइवर मटेरियल नहीं है। गाइस एक और MIUI बिल्ड ROS 8.12.6 अभी ट्राई करना बाकी है, तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो, एक दो दिनों में मैं इसके बारे में भी आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, मैक्स प्रो M1 से रिलेटेड, मैक्स प्रो M2 से रिलेटेड एंड दूसरे स्मार्टफोन से रिलेटेड, स्पेशली कस्टम रॉम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस देखते रहिए iPhone Unboxed।